ईवीएम मशीनों को बैन करने की मांग लालू प्रसाद यादव ने भी उठाई। कहा ईवीएम मशीनों के माध्यम से देश में मोदी सरकार द्वारा खेल करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे में ईवीएम मशीनों को हटाया जाए। ईवीएम मशीनों की मांग पर आपकी क्या अपील जरूर बताइएगा। राजद के टिकट से आरा से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह, लालू प्रसाद यादव दे सकते हैं पवन सिंह को टिकट। पूरी खबर इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आज की मूलभूत बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा पाए। उत्तर प्रदेश पेपर लीक मामले में ऐसे ऐसे नाम सामने आए जिन नामों को सुन करके आप भी चौंक सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो सकते हैं सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने कैसे किया पेपर लीक, आइए देखते हैं विस्तार से। जी हां, झारखंड के नए नवेले बने हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर भी इस वक्त मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चंपई सोरेन भी पद से बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उससे भी बड़ी और बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की पूर्वभूत सरकार ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। ऐसे में क्या कुछ और भी नई खबरें आई है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए किस तरीके से इंडिया अलायंस के बड़े नेता जी हां राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में उतरने और समस्याओं के समाधान के लिए बातों को मजबूत करने का बड़ा निर्णय लिए जाने के साथ नई नई खबरें दे दी है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि देश में आज किस तरीके से जी हां आपको बता दें कि रंग की सबसे बड़ी पर्व होली मनाने की तैयारी हो रही है, पर महंगाई का मार इस पर कैसे पड़ता दिखाई दिया। देश में इस वक्त सब्जियों की कीमत से लेकर के खाने पीने तमाम अन्य चीजों की कीमत महंगाई के दौर में सबसे मोटे तौर पर झटका देते नजर आ रही है, तो आपको यह भी जानकारी विस्तार से बताएंगे। बस समझने का प्रयास है, लेकिन आज की बड़ी खबरों में समझ लीजिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नया नया रिकॉर्ड कैसे खुद को लेकर के स्थापित किया और किस तरीके से एक नया व्यवस्था को सुचारू और बेहतर चलाने की बातें कही। साथ ही साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्या नया निर्णय लिया, जयंत चौधरी ने क्या कहा बीजेपी के टिकट बंटवारे पर, क्या जयंत चौधरी नाराज है या जयंत चौधरी की बीजेपी से बात बन गई है, इस पर भी होगी बड़ी बात। किस तरीके से देश के विपक्षी राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जी हां अखिलेश यादव और अन्य लोगों का जी हां आपको दादे की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं बाबा रामदेव, समझने की कोशिश होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में नए नए खेल के साथ आपको यह भी बताने का प्रयास होगा कि बिहार में राजनीति किस तरीके से नहीं बल्कि प्रेम भावना और जीत की राजनीति की जा सकती है। नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में जी हां लगे हुए जीतन नामाजी नीतीश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू कर सकते हैं और बिहार में सरकार गिराने का भरपूर कोशिश का नया दौर जारी हो सकता है। ऐसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, पर जीतन अम्माजी इस सत्ता की कुर्सी को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं, यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि किसान 10 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। इसी के साथ ही साथ दिल्ली के अन्य किसान और अन्य राज्यों के किसानों का एक बहुत बड़ा जनसैलाब पहुंचने वाला है। इस वक्त कहीं ना कहीं जीतन अम्माजी लोकसभा के चुनाव के लिए ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि बिहार में बिजली व्यवस्था को सुधारने और बिहार के बिजली व्यवस्था को सुचारू ढंग से एक बेहतर चलाने के लिए योजना तैयार की गई है, जिस पर आपको बताएंगे। नल जल योजनाओं को लेकर के कई कहानियां और मजबूत बातें रखी गई है जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि 10 वर्षों में नल जल योजनाओं का हालात बदतर कैसे हुआ, किस तरीके से इसके हालात को देखा गया। लेकिन इसके साथ ही साथ समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने यहाँ कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ ललन कुमार सिंह जेडीयू के लिए क्या कुछ करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ यहाँ होली के मौके पर बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं को और बिहार जाने वाले लोगों को भी किस तरीके से मुसीबत करना पड़ रहा है सामना, आपको इन खबरों से भी अवगत कराएंगे। लेकिन विस्तार से बताएंगे कि कन्हैया कुमार का लोकसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव होना क्या जाहिर करता है और लोकसभा के चुनाव के लिए किस तरीके से वो आज तैयार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों देश में इस वक्त जो है झारखंड से एक ऐसा मामला सामने आया जो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाला था, इस मामले पर भी होगी विस्तार से बात, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे में आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि किस तरीके से आज से हम गरीब बच्चों को और स्कूली छात्रों को एक बेहतर चीज़ मुहैया कराई जा रही है बिहार में, जिससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही साथ बात करेंगे किस तरीके से एक बार फिर
कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रयास किया गया है इस वक्त, और इस तेज प्रताप यादव द्वारा नए प्रयास का नया दौर शुरुआत किया गया है। साथ ही साथ सोलर पावर पैनल प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी की बड़ी राशियों को आवंटन किया जा रहा है, और यह चुनाव के वक्त इसलिए क्योंकि लोगों को इससे काफी ये चीजें मिल सके। खबरों को विस्तार से बताने से पहले शुरुआत आज की बेहद बड़ी खबर से। बिहार में लालू प्रसाद यादव का जलवा बरकरार। लालू प्रसाद यादव के निर्णय से राजनीतिक में परिवर्तन होता नजर आया। आज गांधी मैदान पटना में आज जन सभा को संबोधित करने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने यह बताया कि लोगों के हित में सोचने वाले नेताओं को जेल भेंट कैसे की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तो पलटी मारने वाला खेल कर रहे हैं, मारते रहे चाहे। अब नीतीश बाबू के लिए दरवाजा हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार हमेशा से अलग रहा है, और आपको अच्छे से पता है कि जिस बात को लेकर के हम कह दें उस बातों पर हम हमेशा मजबूत रहते हैं, और इस बार हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि हम अब जो है उन्हें अपने अंदर नहीं लेंगे, यानी अब वह राजद को अपना नहीं पाएंगे नीतीश बाबू। ऐसे में अब बातों को साफ करने के साथ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और नीतीश बाबू के लिए मजबूती से खड़े होकर रहने का निर्णय लिया। इधर राजद ने भी अपने वोट बैंक को बेहतर मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ और भी सबसे बड़ी खबर तो यह है कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी से टिकट मांगे जाने के बाद पवन सिंह ने टिकट भी पा लिया था, लेकिन अचानक से आसनसोल से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये बात साबित हो चुका है क्योंकि पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में उन्होंने ये बात असमर्थता के तौर पर जाहिर किया, लेकिन पार्टी के ऊपर भरोसा भी जताया। कहा, पार्टी का भरोसा करना हम पर और इस बात के लिए काफ़ी मजबूत होना भी ज़रूरी, लेकिन आसनसोल से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ ये बात साबित है कि पवन सिंह आरा से चुनाव तो जरूर लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पवन सिंह को किसी अन्य पार्टी ने बड़ा ऑफर दे दिया है जिसको लेकर के वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करते हैं। बड़ी खबर से पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ सकते हैं। कांग्रेस के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वह सबसे ज्यादा तैयार है। ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव लोकसभा के चुनाव में अपने नाम का डंका पीटते नजर आएंगे। पप्पू यादव ने पिछले कई वर्षों के नए नए रिकॉर्ड भी अपने नाम स्थापित कर लिए हैं। पप्पू यादव लोकसभा के चुनाव में जीत करके बड़े इतिहास बनाना चाहते हैं। पप्पू यादव पहले भी कांग्रेस के टिकट को लेकर के वह चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव जीत करके लोकसभा में जा करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जो भी हमें टिकट मिलेगा या जो भी बातें अगर हमें पार्टी के तौर पर आदेश के तौर पर आएगा उसे वो स्वीकार करेंगे। पप्पू यादव ये पहली मर्तबा नहीं है जब वह लोकसभा में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते हों। इससे पहले भी कई बार वो कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर पेश होते रहे, और कांग्रेस ने पप्पू यादव को भी बिहार का कमान सौंपा है कई बार। तो ऐसे में ये उम्मीद, ये बात, ये जलवा दिन प्रतिदिन मजबूत होता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब परिवारवाद पर लालू प्रसाद यादव का बात का जवाब दिया तो महज 2-4 घंटों के अंदर जेपी नड्डा, अमित शाह और इसके साथ कई बड़े हस्तियां जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द या नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के बड़े सितारे हैं, उन लोगों ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा दिया। मोदी का परिवार लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट करने लगा मोदी का गंवार। और ऐसे में यह बात इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर सवाल किया, कहा हिंदू धर्म में विधि व्यवस्थाओं के अनुसार आपको तो मुंडन कराना चाहिए था, पर मां के निधन के बाद आपने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कराई? जी नरेंद्र मोदी का जवाब कि पूरा देश मेरा परिवार, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जो पैदा किया क्या उसे आप भूल जाएंगे। ऐसे में सवाल पर सवाल और जवाब मिलता नजर आ रहा है, दिलचस्प कहानियां बनती नजर आ रही है, लोगों को काफ़ी इस बार मजबूत चीज़ें देखने को मिल रही है नेताओं की। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी बिलों को जिया ना जमा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। सरकार से लेकर सिस्टम तक इस वक्त मौन नहीं है। सरकारों ने भी अपील करना शुरू कर दिया है कि आप ध्यान दीजिए,
दूसरी तरफ बिजली कंपनियों ने भी लोगों से अपील करना शुरू कर दिया है कि पैसों जमा तो करा दीजिए। ऐसे में अब साफ है कि देश में बिजली व्यवस्था की मजबूत कोशिश एक नया नाम देने वाली है, नई कहानी की नई अवाहम देने वाली है, और एक शुरुआत के साथ अलग अलग बातें और मजबूत प्रयास के साथ अलग अलग जानकारियाँ सामने आती रहती है। लेकिन आपसे अपील तो यही कर सकते हैं कि बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। आज लाइक टारगेट रखते हैं 30,000 का। उम्मीद है आप सभी दर्शक हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो पूरा ज़रूर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।